आज हम जा रहे हैं बिग बाजार और बहुत जरूरी सामान था जो कि मुझे जाना बहुत जरूरी था, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। फिर अभी आके मिलते हैं फिर आपसे। आज मैं और मेरी बेटी दिव्या दीपा जा रही है, दोनों जा रहे हैं। चलो ठीक है, चलते हैं फिर, अभी मिलते हैं फिर आप। ये कह रही थी इधर आओ। कोकोनट मिल्क कोकोनट ये वाला था ना, छोटा ना है ना। चलिए किसी का पैर होगा। Thank you.
कितने का है मैं तीन का ले लूँगी ये दो का कितने का हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आ गई हूँ आपके सामने। और अभी मैंने बताया था कि दोपहर में हम लोग बिग बाजार गए थे और मैं आते ही मैं पहले नहाई हूँ, देखो सिर भी धोया अभी मैंने, सिर मेरा गीला है और ना मैंने अभी सुखाया ना बाल काटे। आते ही पूरा सिर से नहाए, फिर आके चाय पिए, थोड़ी देर आराम करा, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ आपको सामान दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ आज बिग बाजार से। यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कुछ था ही नहीं, सब भिड़ भिड़ कर और जबरदस्ती भिड़ के जा रहे हैं। कई बार तो दीपा से मेरे से भिड़ भिड़ के गए और थोड़ा दूर होके चलो भाई, लेकिन मानते नहीं है और मानते नहीं है कि लोग यहाँ पर बीमारी है, कोरोना की बहुत खतरनाक बीमारी है और ऐसा टच कर करके जा रहे लोग। बताओ देखिए, सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ लिप्टन की ये ग्रीन टी है और एक मैं ये देखे आई हूँ पिजन का है कटर। वैसे वैसे मेरे पास तो बिजली वाले भी है ये तरह। लेके आई हूँ कि मैं खजूर लेके आई हूँ, खजूर सूखे वाले आते हैं ना, जो सूखे वाले खजूर लेके आई हूँ। नहीं मैं तो शॉपिंग नहीं आती है चीज करने की, ये इसका जो मेकअप का सामान है। एक बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर लेके आई हूँ मैं, ये पैकेट में लेके आई, बोतल वाला नहीं है, बेकिंग पाउडर है। एक मैं ये घी की डब्बी लेके आई हूँ, सामान काफी लेके आई हूँ, जल्दी बता रही हूँ इसलिए। और ये सामान हमारा कम से तीन चार घंटे बाहर रखा रहा है। अब मैं लेके आई हूँ सामान को, ये मेहंदी है, मेहंदी लेके आई हूँ, एक दीपक कैंडी मल्टीग्रेन आटा है, ये 9 चीज मिक्स है इसके अंदर, और 2 किलो में ये आटा लेके आई हूँ।
मिर्ची लेके आई, साबुत मिर्ची, और ये पाउडर है, ये फिनाइल की गोलियां हैं, ये सूजी है, एक किलो सूजी है, दो किलो ग्रीन वॉशिंग पाउडर। अगर पैसे की ना कोई कीमत नहीं है। ये मैं सरसों का तेल लेके आई हूँ 1 लीटर, और ये तीन में ये सॉस लेके आई हूँ, और ये है तिल का तेल। तिल का तेल ये नहीं, मैं शैम्पू लेके आई हूँ। एक नींबू का रस है, कई बार घर में जब नींबू नहीं होते है ना, तो ये डाल लीजिए। ये भी मुझे मिल गया था तो मैं लेके आ गई हूँ। और तीन पैकेट में ये पोहे लेके आई हूँ, ये तीन पैकेट में पोहे भी लेके आ गई। ये है मैं जो घी इस्तेमाल करती हूँ ना, मैंने आपको बताया था घी, ये और दो पैकेट ये व्हाइट तिल लेके आई हूँ। तिल जरूर खाना चाहिए, ये कैल्शियम की कमी पूरी करता है, हड्डियों में दर्द नहीं होता इससे। और दो मैं किशमिश के पैकेट लेके आई हूँ, ये दो पैकेट, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हमारे जो दुकान है वहाँ पे किशमिश बहुत गंदी मिलती है, ये अच्छी किशमिश है बड़े साइज की। और ये शक्कर हमारे यहाँ मिलती है, शक्कर पूरी मिलती है, यहाँ पैकेट में शक्कर थी। और ये अचार सोच रहे थे आम का अचार बनेगा, तो आम के अचार में पीली राई जरूर डालना, उसके लिए मैं ये अचार की राई लेके आई हूँ पीले रंग की। और आम पता नहीं है आम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर मैं तैयारी पहले कर लेती हूँ सब चीजों की। मैंने अचार की मैं ये राई लेके आ गई हूँ। और ये है चारकोल, ये दांत साफ करने कोलगेट का है, चारकोल क्लीनर है। और ये इलायची लेके आई है मैं 50 ग्राम इलायची, बताओ आप कितने की होंगी। ये है 345 रूपए की 50 ग्राम इलायची है, छोटी वाली इलायची, अभी काफी महंगी हो रही है तो 12 रूपए की 10 ग्राम, और अभी देखिए कितनी महंगी हो रही है, जबकि इलायची यहाँ पे बनती आती है यहाँ पे केरल में। और ये मैं कलावा लेके आई हूँ, ये फेस वॉश है, ये पानी की बोतल लेके आई हूँ, चार का सेट है बेटा, ये सेटर ना चार है, बोतल लेके आई हूँ ये मैं पानी की। ये साबुत धनिया लेके आई हूँ मैं 1/2 किलो, अच्छा धनिया बढ़िया, ये क्रश का पैकेट लाई हूँ। और ये पीली मटर आती है ना जो कुलचा बनता है, जिसके साथ में मटर कुलचे बनते हैं, वो लेके आई हूँ। और मैं ये रागी का आटा लेके आई हूँ, यहाँ पे रागी होती है, ये आटा खाने से कैसे फैट कम होता है, ये मैं बादाम लेके आई, ओरमिल लेके आई, और ये मैं तेल दिखाऊंगी बना के, तेल लेके आई हूँ, डिटोल लेके आई हूँ, और ये मैं लेके आई हूँ शहद, शहद में लहसुन भिगो के सब ये खाते लहसुन। और ये मैं दो पर्दे लाई हूँ, ये मैरून पर्दे हैं, इसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी ज्यादा वो हो रही है आपके घर में एक्टिव, तो आप ये वो पर्दे चेंज करके ये पर्दे लगाओ कोई दूसरे कलर के। तो मैं ये दो पर्दे लेके आई, ये चावल लेके आई, 5 किलो चावल लेके आई डाबर का, एक देखिए मैं ये लेके आई हूँ, ये गिलास दीपांगी, ये गिलास ले आई, अच्छा एक गिलास में ये गिलास लेके आई हूँ मैं, ये मेरे को दिए 399 रूपए में है 6 गिलास। अब आप ये बताओ ये सामान मैं लेके आई हूँ 10,663 रूपए का, काफी महंगा है, काफी महंगा है, बिल कैसे लगाया है क्या सामान 10,000 का है, ये तो बिल चेक करो ना, क्या दोबारा क्यों लगाएं सामान, बिल में लिख रहा है ना, दिखाओ बिल, काम करो बिल, तो बोल रहा था वो।